आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के झज्जर में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झज्जर में नफे सिंह अपनी गाड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। बराही रेलवे फाटक पर ट्रेन आने से बैरियर डाउन था। हमलावरों ने इसी दौरान नफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जो फाटक आप देख रहे हैं ये बंद था क्योंकि यहां से ट्रेन गुजरने वाली थी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही नफे सिंह यहां पहुंचते हैं और तभी इसी जगह पर ये जो आप पूरा ये सीन ऑफ क्राइम यहां देख रहे हैं और इसी के साथ उनकी गाड़ी पर में सवार जो लोग थे उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। गाड़ी पर 20 से ज्यादा फायर किए, ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। और ये जानकारी है कि बदमाश जो है कार में सवार होकर के आए थे। डॉक्टरों के मुताबिक नफे सिंह को गर्दन, कमर और थाई के पास गोली लगी थी। गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। हमलावरों ने नफे पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बिल्कुल देखिए, इनेलो नेता की हत्या के बाद हरियाणा की कानून व्यवस्था पर विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इनेलो की ओर से पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। नफे सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे जितेंद्र राठी ने कहा कि उनका परिवार काफी दिनों से सुरक्षा की मांग कर रहा था। 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की है। वहीं नेलो नेता अभय चौटाला ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री अगर इस मामले को सीरियसली ले लेता, अगर आईजी सीआईडी इसको सीरियसली लेता तो आज ये वारदात नहीं होती। और ये मान के चलो ये सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक की सुरक्षा करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। मैंने सभी उच्च अधिकारियों से बात की है और हमने सबको लगाया है। एसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और भी अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। उनको सबको कहा कि तुरंत कार्रवाई करो और जिन्होंने भी ये काम किया है उनको पकड़ा जाए। तो इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कोई इसे राजनीतिक हत्या बता रहा है तो कहीं कहीं जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि काला जठेड़ी और बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है।